नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास भी स्पेशल आपकी डिमांड के आधार पर ही रखी गई है। मानती हूँ कि क्लास थोड़ी देरी से लगा रहे हैं और कोई परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि हम क्लास टाइम पर नहीं दे पाए, परंतु ये एक ऐसी क्लास है कि आपको हमेशा काम आएगी। इन फ्यूचर भी अगले साल भी एग्जाम होंगे तो भी काम आएगी, और इसके साथ साथ बीए फाइनल ईयर के तो एग्जाम भी नहीं हुए हैं, तो उनको भी ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी और बहुत फायदा करेगी। क्यों? क्योंकि ये क्लास एक कॉमन टॉपिक पर रखी गई है, और कॉमन टॉपिक जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि हमें प्रसंग बता दिया जाए कि प्रसंग कैसे लिखते हैं, तो चलिए आज अपन प्रसंग पर ही बात करने वाले हैं। सीधी सी बात सामान्य रूप से कहना चाहूंगी कि प्रसंग का मतलब अपन परिचय से ले लेते हैं, आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रसंग का मतलब यदि अपन परिचय से ले लेते हैं तो परिचय दो प्रकार का होता है। एक तो जो वो पद्यांश या गद्यांश आपके सामने है पेपर में, वो लिया कहाँ से गया है, यानी कौन सी बुक से लिया गया है, कौन से लेसन से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, किस कवि ने उसको लिखा है, तो पहला परिचय तो वो हो जाता है कि वो कहाँ से लिया गया है, उस पद्यावतरण को कहाँ से लिया गया है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो पद्य या गद्य अपन पढ़ रहे हैं या जो पद्यांश व गद्यांश जिसकी अपन व्याख्या करने जा रहे हैं, उसमें मूल बात क्या है, उसमें क्या संदेश दिया जा रहा है या किस विषय पर चर्चा की गई है, ये दोनों ही चीजें अपने को प्रसंग में देनी है। और प्रसंग आप इस तरीके का लिखें कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको व्याख्या तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो प्रसंग मात्र देख कर समझ जाए कि आपने व्याख्या में क्या लिखा है, और उसको वो क्लियर समझ में आ जाए और उसी प्रसंग के आधार पर वो नंबर देकर निकल जाए। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी। जैसे एक कवि है अपने बिहारी को अपन जानते हैं, सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और उन्होंने पूरा का पूरा सतसई ग्रंथ है वो दोहा छंद में लिखा है। अब उनके लगभग 713 दोहे माने जाते हैं, तो बिहारी के दोहों में एक दोहा मैं आपको बता दूं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल। तो एक बार मैं लिख लेती हूं, उसके बाद अपन इसको देखते हैं। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु नहीं विकासु नहीं विकासु इही काल। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी जी का दोहा है। अब आपको लिखना है इसका प्रसंग, ठीक है? अब इसका प्रसंग लिखना है तो प्रसंग का मतलब अपने को लेना है परिचय, और परिचय में मैंने आपको बताया कि अपने को दो चीजें देनी है। पहली बात तो ये दोहा लिया कहां से गया है, तो आप सीधी की सीधी लाइन ये लिखेंगे कि उपयुक्त दोहा इस तरीके से लिखें लाइन बनाकर कि उपयुक्त दोहा रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई ग्रंथ से लिया गया है। बहुत ही सुंदर लाइन बनेगी आपकी। और यदि आप इतना ज्यादा नहीं लिख पाते हैं तो भी इतना तो जरूर लिखिए कि ये दोहा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई ग्रंथ से लिया गया है, इतनी बात तो आप जरूर लिखेंगे, ठीक है? अब आपने इसका ये तो परिचय दे दिया कि भाई ये लिया कहां से गया है, और साथ ही साथ आपने इसका छंद भी बता दिया। तो रीतिकालीन कवि है, रीति सिद्ध कवि है, बिहारी है, और बिहारी का भी ग्रंथ बिहारी सतसई है, उस ग्रंथ के का एक दोहा है, ये परिचय दे दिया। उसके बाद
पूरी कहानी लिख सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी हैं जो ऐसे कहते हैं कि प्रसंग छोटा होता है। प्रसंगों में शब्दों की कल्पना मत करिए। प्रसंग में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप 5 शब्द लिखेंगे, 7 शब्द लिखेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो आप पूरा का पूरा आप अपने एग्जामिनर को समझा सकते हैं कि भाई इस दोहे में लेखक क्या बताना चाह रहा है, यानी पूरा परिचय दे सकते हैं आप। आप पूरे परिचय को देखें तो आप पूरा लिख सकते हैं कि बिहारी जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह के दरबार में रहते थे और जयपुर के राजा जय सिंह सवाई जय सिंह है वो अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में पड़ चुके थे, राज कार्य भूल चुके थे, प्रमुख सरदारों के आग्रह पर बिहारी ने अन्योक्तिपूर्ण यह दुआ लिखकर राजा के पास भेजा, राजा का मोह भंग हुआ और उन्होंने राज्य कार्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया, बिहारी को पुरस्कार दिया गया। तो ये सारी की सारी बातें जो इस दोहे से संबंधित है वो भी आप प्रसंग में लिख सकते हैं। और यदि आपने इस तरीके से इस दोहे की पूरी कहानी आपने पहले ही बता दी प्रसंग में, तो एग्जामिनर इतना प्रभावित होगा कि वो आपकी व्याख्या को बिना देखे प्रसंग के आधार पर भी नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़कर आया है। तो इस प्रकार से प्रसंग का मतलब आप परिचय से लीजिए। परिचय में 2 बातें हैं। पहले तो वो जो पद्य या गद्य कहां से लिया गया है, किसके द्वारा रचित है। दूसरी बात, इसमें मूल बात क्या बताई गई है, मूल इसका विषय क्या है, वो चीज। तो 2 ही चीजें लिखनी है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रसंग के विषय में पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।